नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे उपाय करने के तरीकों के बारे में। लाल किताब में दोस्तों जो उपाय किए जाते हैं वो मेनली 6 प्रकार के होते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि वो क्या तरीके हैं जिनको अपनाकर उपाय किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। कौन से वो तरीके हैं जिनको अपनाकर लाल किताब के अनुसार उपाय किए जाते हैं? दोस्तों लाल किताब के जो नियम हैं उनके हिसाब से हर ग्रह का उपाय हर एक घर के लिए अलग होता है। और ये जो उपाय है लाल किताब में किसी एक पेज या किसी एक चैप्टर में नहीं लिखे हैं और ना ही उनके पीछे कोई कारण बताया गया है, कोई लॉजिक बताया गया है उपायों का। तो उपाय के पीछे जो लॉजिक होता है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए, ये जो लॉजिक है इसको समझने के लिए लाल किताब के जो उपाय हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और वो मेनली 6 कैटेगरी हैं उपाय करने की। तो दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहला तरीका क्या है दोस्तों उपाय करने का? तो पहला तरीका है कि उपाय से ग्रह को नष्ट कर देना या मार देना। अब ये कैसे किया जाता है? मान लीजिए जब शुक्र 8वें घर में आता है, 8th हाउस में आता है, तो शुक्र बहुत अशुभ परिणाम देता है, बहुत मंदे नतीजे देता है। तो ऐसे में दोस्तों शुक्र की चीज़ों को, जो भी शुक्र की चीज़ें हैं उनको वीराने में गड्ढा खोदकर दबाया जाता है। इस उपाय से दोस्तों शुक्र का जो मंदा असर है वो दूर हो जाता है। तो जिस वर्ष फल में शुक्र 8वें घर में आया है तो इस उपाय से उस साल के लिए शुक्र मर जाएगा। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरा तरीका है दोस्तों कि मंदे ग्रह के असर को दूर करने के लिए उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को बहते पानी में डालें। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए मंगल खाना नंबर 12 में है, 12th हाउस में है और मंदा असर दे रहा है, तो बहते पानी में मंगल की जो चीज़ें हैं रेवड़ी या बताशे उसको बहाने से मदद मिलती है और मंगल का जो मंदा असर है वो दूर होता है। अब दोस्तों तीसरे तरीके के बारे में बात करते हैं।
तीसरा तरीका क्या है? ग्रह को नष्ट करने की बजाय उसके स्वभाव को मंदे से शुभ में बदल लिया जाए। अब दोस्तों, ये कैसे किया जाता है? मान लीजिए राहु कुंडली में पांचवें घर में है और पांचवें घर का राहु औलाद की पैदाइश के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पर बैठा हुआ राहु मेल चाइल्ड पैदा होने में, नर औलाद पैदा होने में रुकावटें पैदा करता है, अड़चने पैदा करता है। पर लड़कियों की पैदाइश में, फीमेल चाइल्ड के पैदा होने में कोई अड़चन नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि जब राहु इस घर में होता है तो उसको नष्ट करना नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में दोस्तों राहु के स्वभाव को अशुभ से शुभ में बदलना होगा, राहु को शुभ में बदलना होगा, जिसके लिए घर में चांदी का ठोस हाथी गंगा जल में रखना होगा। इससे राहु का जो मंदा असर है उससे बचाव होगा, लेकिन इसका जो अच्छा असर है राहु का वो ख़त्म नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथा तरीका। तो चौथा तरीका है दोस्तों शुभ ग्रह को स्थापित करना। दोस्तों किसी भी ग्रह को स्थापित करने के लिए उस ग्रह की चीज़ों को घर में या पास रखें, घर में रखी जाए या पास में रखी जाए, तो उससे ग्रह स्थापित हो जाता है। अब जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए मान लीजिए चंद्रमा दूसरे घर में अच्छा फल देता है, शुभ परिणाम देता है, तो माँ से चावल और चांदी लेकर रखना आमदनी के लिए, धन के लिए अच्छा होता है। उससे धन की जो आमद है, जो धन का आना है, वो बढ़ता है। अब दोस्तों पांचवा तरीका, ये क्या होता है? तो दोस्तों दो शत्रु ग्रहों के झगड़े को, जो दो ग्रह हैं आपस में दुश्मन हैं, शत्रु हैं, तो दो शत्रु ग्रहों के झगड़े को ख़त्म करवाने के लिए किसी और ग्रह को स्थापित करना। अब ये कैसे किया जाता है? तो मान लीजिए सूरज और शनिचर खाना नंबर 6 में है, 6th हाउस में है, तो उनकी आपसी जो दुश्मनी है वो मंदे असर देगी। अब इनकी आपसी दुश्मनी का जो मंदा असर है उससे बचने के लिए अगर यहाँ पर बुध को स्थापित किया जाए तो वो फिर शुभ फल देगा, तो बुध को स्थापित करना शुभ होगा। अब बुध को कैसे स्थापित किया जाए? तो बुध को स्थापित करने के लिए दोस्तों फूलों वाले पौधे, फूल मतलब बुध, फूलों का कारक बुध है, तो बुध को स्थापित करने के लिए फूलों वाले पौधे घर में लगाए जाए, इससे बुध घर में स्थापित हो जाएगा। अब बुध दोस्तों शनि और सूरज दोनों का मित्र है, तो ये इन दोनों में झगड़ा नहीं होने देगा। अब दोस्तों बात करते हैं छठे तरीके की, ये क्या है? तो ये है दोस्तों ग्रह को उसके ही उपाय द्वारा शुभ कर देना। अब ये कैसे किया जाता है दोस्तों? अब जैसे मान लीजिए शुक्र अशुभ है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ असर दे रहा है, तो शुक्र की कारक चीज ज्वार के हरे पौधे, शुक्र की ही दूसरी कारक चीज गाय, तो ज्वार के हरे पौधे गाय को खिलाना
अब इससे क्या होता है दोस्तों, गाय हरी ज्वार खाने के बाद गोबर करेगी और उससे अपने शरीर से निकाल देगी। तो गाय हरी ज्वार खाने के बाद गोबर करके अपने शरीर से निकाल देगी। इस तरह दोस्तों वो खुद ही अशुभ अंश को, शुक्र का जो अशुभ अंश है उसको खुद ही नष्ट कर देगी। तो दोस्तों ये मेनली 6 तरीके हैं, इनको अपनाया जाता है, इनके अनुसार उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी कि उपाय किस तरीके से किए जाते हैं। आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।